अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ वो खास करके हैंड और फीट वाइटनिंग के लिए मैं आपको बहुत ही अमेजिंग वाइटनिंग सीरम बताने वाली हूँ। आप इसे टोनर कह लें, सीरम कह लें, लेकिन इसके रिज़ल्ट बेहद अमेजिंग है। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे सामने पड़ा हुआ है एलोवेरा जेल, तो एलोवेरा जेल जो है आपने लेना है बाज़ारी, यानी कि मार्केट से जो मिलता है जेल, आपको प्रिजर्व जेल होता है, ये बहुत अच्छा होता है। 97 to 99% जो है ये एलोवेरा जेल मौजूद होता है। तो दोस्तों आपने ये वाला जेल ले लेना है, और साथ में मैं लूँगी एक जार जिसमें मैं ये सीरम बनाऊँगी। अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल है तो आप उसमें भी ये डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको जार में बनाऊँगी और इसी में सेव करूँगी। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं इसमें डालूँगी वो है एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैंने यस नाउ का एलोवेरा जेल लिया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो। तो आपने अपनी मर्ज़ी से जितनी क्वांटिटी डालनी है आप डाल सकते हैं। देखें तो आप जो है, मैं कम से कम 2 दिन का जो है वो बनाऊंगी अपने लिए सीरम। ये वाइटनिंग सीरम जो है एलोवेरा जेल के साथ बनेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग आपको रिज़ल्ट देगा। तो आपने जो है ना, जितने भी टाइम के लिए बनाना है आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते के लिए बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 दिन के हिसाब से डाल रही हूँ 2 स्पून। तो अगर आपने 7 डे के हिसाब से बनाना है तो आपने जो है 7 स्पून जो है वो एलोवेरा जेल ले लेना है। मैं यहाँ 2 स्पून ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ 2 डेज के हिसाब से जो है वो बना रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने 2 जो है चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है। तो एलोवेरा जेल जो है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि घर में जो एलोवेरा जेल होता है, जो प्लांट का एलोवेरा, जो फ्रेश एलोवेरा होता है, वो नहीं लेना आपने। उससे जो है वो सीरम बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, मे बी 1 ही दिन में ख़राब हो जाए क्योंकि गर्मियाँ हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से 2 चम्मच जो है एलोवेरा जेल ले लेना है। एलोवेरा जेल जो आपकी स्किन को है, सबसे पहले तो आपके पोर्स को जो है वो कम्प्लीटली क्लोज करेगा, आपकी स्किन को लाइट करेगा, और जो सन टैनिंग हो रही है गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो जो है वो बहुत जल्दी जो है एलोवेरा जेल जो है आपकी स्किन को अच्छा बनाता है। आपकी स्किन अगर रेडिश है, आपकी स्किन अगर क्रीमों की वजह से ख़राब हो रही है या कुछ भी है जिसकी वजह से आपकी जो है क्योर नहीं हो रही स्किन, तो एक दफ़ा ये सीरम बना के देखे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरे पास है कैप्सूल, जिसमें जो है विटामिन के कैप्सूल हैं, यानी कि विटामिन ई का कैप्सूल है एक, और साथ ही मेरे पास ये वाइटनिंग कैप्सूल है जो कि किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे, आपको किसी भी सिटी में किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे, और ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं, ईजिली मिल जाती है। और साथ में विटामिन ई का एवियन का 400 mg का कैप्सूल मैंने लिया है। विटामिन ई आपकी स्किन को बहुत जल्दी ग्लोइंग बनाएगी, और साथ ही साथ आपके स्पॉट्स को जो है वो बहुत जल्दी क्लोज करती है। तो अगर आपके किसी भी वजह से स्पॉट्स हैं या फिर ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, तो आप जो है इसे ज़रूर शामिल कर लें। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाला है 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के हिसाब से। तो आप अगर 7 डेज़ के लिए बनाते हैं तो आपको मस्टली 3 कैप्सूल जो है वो डालने पड़ेंगे। और ये सीरम इतना ज़बरदस्त बनेगा कि ये टोनर आप चाहें तो आप सेल भी कर सकते हो। मार्केट में जो आ रहे हैं बहुत ही मज़े मज़े के वाइटनिंग सीरम हैं और वाइटनिंग टोनर वगैरह है, जिसपे जो है बहुत ज़्यादा आवाम पागल है और बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, 1000 से अबव उनकी प्राइसेस है। की जगह अगर आप ये ले लेते हैं 50 रुपये में, आपका सीरम बन जाता है वाइटनिंग, जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। और आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल एकदम से चेंज हो गई है, ये क्रीम जो है वाइट क्रीम बन गई है। ये भी मैंने आपको सीरम बनाना बताया था, तो आप देखें ये बिल्कुल जो है विटामिन ई और एलोवेरा का जो है वो सीरम बन गया। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं आज वाइटनिंग टोनर, और ये जो मुझे अमेजिंग लगता है, बहुत पसंद है। अब साथ में जो है मैं यहाँ डालूँगी वाइटनिंग के कैप्सूल। आपने जो है यही कॉस्मेटिक वाले वाइटनिंग कैप्सूल लेने हैं, आपने मेडिकेटेड नहीं लेने। तो किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे आपको इजीली ये मिल जाएंगे। यहाँ पे ये मैं 3 शामिल कर रही हूँ 2 डेज़ की क्वांटिटी के हिसाब से। 2 टेबलस्पून मैंने एलोवेरा जेल लिया है। अगर आप 7 जो है डेज़ के हिसाब से कर रहे हैं, बना रहे हैं अपना टोनर, तो आपने उसी हिसाब से 10 शामिल कर लेने हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, लेकिन वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है आपने क्या करने के, 10 अगर आप 7 डेज़ के हिसाब से बना रहे हैं तो आपने 3 विटामिन ई के कैप्सूल और 10 वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो शामिल कर देने हैं। अब आप देखिएगा कि कितना मज़े का ये टोनर बन जाएगा। आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसे जैसे जैसे मिक्स करते जाएँगे आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा कितनी जल्दी से चेंज होगी।
अब आप देखिएगा कि कितनी जल्दी से ये क्रीम से टोनर में चेंज हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पे क्रीम तैयार हो गई है और अब आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखिए बिल्कुल क्रीम सीरम लाइक इसकी वाइट कलर की कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये वाइटनिंग सीरम है। तो अब देखें आप इसकी जो है कंसिस्टेंसी किस तरह से टोनर में बिल्कुल चेंज हो जाएगी और इतने अमेजिंग इसके इंस्टेंट रिजल्ट भी हैं। आप इसे लगाएं 10 मिनट के बाद आप अपने हाथों पाँव का कलर देखें कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब आप देखें यहाँ पे इसकी सीरम जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है बिल्कुल, और आपने इसे अच्छी तरह से जो है 5 मिनट के लिए मिला देना है और देखते जाएँ कि एक एक सेकेंड में इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज हो रही है। इसी तरह से ये बिल्कुल चेंज होकर टोनर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जब हम एलोवेरा जेल के साथ इन कैप्सूल्स को डालते हैं तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको अपने हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से आपने इसे अप्लाई करना है, और जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे आपने इसे हल्के हाथों से मसाज कर देना है। हल्के हाथों से मसाज करने के बाद आपने इसे इसी तरह से छोड़ देना है। आपने बिल्कुल अपने हैंड को वॉश नहीं करना, आपने कम से कम इसको 20 से 30 मिनट छोड़ देना है। अगर आप ओवरनाइट दे सकते हैं तो लाजमी आप इसे रात में जो है वो सोने से पहले लगाएं और इसे ऐसे ही छोड़ दें, और सुबह आप अपनी स्किन को किसी भी सोप से वाइटनिंग सोप से धो लें तो आपकी स्किन जो है वो जगमग जगमग जगमगाने लगेगी। आप देखेंगे कितनी अच्छी जो है आपकी स्किन हो जाएगी और वाइट भी होगी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कंसिस्टेंसी मज़ीद कितनी जल्दी चेंज हुई और ये टोनर कितनी जल्दी जो है रेडी हो गया। आप देखें ये बिल्कुल पानी जैसे वाटर लाइक टोनर बन चुका है। आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल सकते हो। फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो है वो टोनर कम्प्लीटली रेडी हो गया है। ये स्किन को वाइट बनाएगा, ब्राइट बनाएगा, जिनके जो है ओपन पोर्स बिल्कुल किसी मेडिकेटेड क्रीम से किसी भी क्रीम से बंद नहीं होते, जो कि क्रीम से जली हुई स्किन है उससे लाइट अप करेगा, रेडनेस डार्कनेस को कम करेगा। ये टोनर आपने डेली जो है वो यूज़ कर लेना है। आप इसे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसे हैंड पर भी अप्लाई कर सकते हो, फीट पर भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसे जो है फुल बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके सामने मैंने बहुत ही नेचुरल चीज़ें डाली हैं, इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है। दोस्तों, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो ज़्यादा कर दें, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। तो फिर रेमेडीज़ बार बार एक रेमेडी मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ, तो आपने थोड़े से जो है अपने हिसाब से स्किन के हिसाब से जो है इसे बना लेना है। तो उम्मीद है कि दोस्तों को आपको एलोवेरा जेल के साथ ये जो टोनर है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब आप यहाँ मेरी स्किन पर देखें कि किस तरह से मेरी स्किन एकदम से जो है उसका कलर चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा वाइटनिंग और ग्लोइंग स्किन हो गई है। आप देखें कि किस तरह से जो वाइटनिंग के कैप्सूल थे उनके जो है एक लेयर जो है स्किन पे आ जाती है, और अगर आप इसे मसाज करेंगे तो आपको वाजे तौर पे फील होगा कि आपकी स्किन से जो है वो जो है ब्लैकिश ख़त्म हो रही है। आपने इसे जो है डेली यूज़ करना है। आपको इसके रिज़ल्ट 3 दिन में बहुत अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक दिन में भी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये इंस्टेंट वाइटनिंग भी देता है, लेकिन इसके कम्प्लीट रिज़ल्ट और परमानेंट रिज़ल्ट के लिए आपको इसे रोज़ रात को लगाना है और रोज़ सुबह इसे फिर वॉश करना है, यानी कि ओवरनाइट इसे लगा लेना है। आपने कोशिश करें कि धूप में लगा के ना जाएं, तो उससे जो है वो सन टैनिंग ज़्यादा भी हो सकती है। थोड़ी सी जो है आपने प्रिकॉशंस भी लेनी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने जो है एलोवेरा को डेली अपने जो है स्किन पर मसाज भी करना है, उससे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन उसे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आपसे नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।